गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 7 में हिंदी चैप्टर का हिंदी कोर्स बुक का एक्सरसाइज 3 ये पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2 का हमने सारा क्वेश्चन आंसर ग्रामर पर्सन सारा चीज फिलअप करवा दिया है। आप यदि अभी तक जो है वो नोट्स कंप्लीट करके नहीं भेजे हैं तो कृपया आप जल्द से जल्द भेजिए, क्योंकि हमको देखना भी है कि आप किए हैं कि नहीं। ओके, आगे देखिए। एक्सरसाइज 3 में है कि सिकंदर और पुरु। इसमें आप ये जानेंगे कि छल से सिकंदर के द्वारा बंदी पुरु अपने साहस और आत्मविश्वास से कभी हिम्मत ना हारने का संदेश देते हैं, और साहसी वीर पुरुषों का शत्रु भी सम्मान करते हैं। तो सिकंदर जो थे वो यूनानी राजा थे। पुरु कौन था? भारतीय राजा सेल्यूकस यूनानी सेनापति समर पुरु का पुत्र था। अन्य पात्र जो है वो कुछ दरबारी था। इसके बारे में आप जानेंगे। इसके कवि जो है वो सुदर्शन जी हैं। तो देखिए, सिकंदर अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा है और सेल्यूकस यूमनिस और दूसरे दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। दरबारियों में समर भी यूनानी वेश में बैठा है। सिकंदर का जीत के देवताओं को हमारा प्रणाम। यह उनकी ही कृपा है कि हम युद्ध जीत गए। हम उन सिपाहियों की बहादुरी की तारीफ करते हैं जो आज विजय का उत्सव मना रहे हैं, और उन बहादुरों को झुककर प्रणाम करते हैं जो युद्ध में शहीद हो गए। आइए सब मिलकर के बोले यूनान जिंदाबाद, यूनानी सैनिक जिंदाबाद। तो दरबारी सब एक साथ जो है वो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। सिकंदर, हम इजाजत देते हैं कि आज की कार्यवाही शुरू की जाए। तो सेल्यूकस, महाराज की आज्ञा हो तो हम अपने सबसे बड़े शत्रु को प्रस्तुत करें। सिकंदर, आज्ञा है। देखिए, हम आपको पढ़ के इसलिए सुना रहे हैं कि ताकि आपको भी यदि कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो आप उसको सुधार लें और पढ़ें। अब ये नहीं कि हिंदी का कहानी आप नहीं पढ़ेंगे और केवल क्वेश्चन आंसर वर्णनी, ऐसा नहीं है। आप यदि चैप्टर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, उसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। और उसके बाद सिकंदर आज्ञा है तो हथकड़ी लगाए राजा पुरु सैनिकों से घिरे हुए आते हैं। तो समर तलवार होकर के उठा करके खड़ा हो जाता है, लेकिन सैनिक उसे हटाते हैं और ले जाते हैं। एक सैनिक सिकंदर के कान में कुछ कहता है तो सैनिक कहता है महाराज की जय हो। सिकंदर पुरु की ओर देखते हुए मुस्कर, आइए हमारे बहादुर दुश्मन, आपका स्वागत। पुरु, क्योंकि बहादुर दुश्मन क्यों कहा गया? क्योंकि वो बहुत ही बहादुर और साहसी थे। पुरु, अगर स्वागत का मतलब हथकड़ी पहनाना है तो आपने सचमुच मेरा काफी स्वागत किया, ऐसा पुरु का कहना था। तो सिकंदर कह रहा है कि महाराज को हथकड़ी किसने लगाई? सेल्यूकस, जिसने ये गलती की हो उसका पता लगाइए और दंड दीजिए। महाराज पुरु, हमें हमारे सैनिकों की गलती पर अफसोस है, आप आसन ग्रहण करें। तो सेल्यूकस जो है वो हथकड़ी खोल देता है। पुरु, धन्यवाद। सिकंदर, महाराज पुरु, आपने देखा कि तकदीर ने हमारा साथ कैसे दिया, हमने एक दिन में ही आपको जीत लिया। पुरु, निर्भयता से, मुझे उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। हमें आपकी तकदीर ने नहीं जीता, आपने हमें धोखे से जीता है। यदि आपको अपनी बहादुरी और तकदीर पर इतना ही गर्व था तो आपने दिन के उजाले में नदी पार क्यों नहीं की? आपने रात के अंधेरे का सहारा क्यों लिया? ऐसा पुरु कह रहे हैं। तो सिकंदर, महाराज पुरु, यह भी लड़ाई का एक तरीका है, वैसे भी लड़ाई में सब कुछ सही है। पुरु, तो क्या राजदूत के वेश में आए बादशाह को मारना भी ठीक है? तो सिकंदर, या आपने हम पर मेहरबानी नहीं की, शायद आपने गलती की थी। क्या आज आपको अपनी गलती पर दुख नहीं हो रहा? पुरु, गलती? तो यह सुन करके वो मुस्कुराने लगता है। अगर हम ऐसी गलतियां करके हजार बार ही पकड़े जाए तो कोई पछतावा नहीं, अगर उसके बाद भी ऐसा अवसर मिले तो फिर हम यही करेंगे। पछतावा तो कायर किया करते हैं, हम वीर है कायर नहीं, हमें अपने किए पर गर्व है। सिकंदर, वाह वाह, क्या बात कह दी आपने। और महाराज पुरु, हमने बहुत से बादशाह देखे, बहुत से बादशाहों को हराया भी, लेकिन हमने आप जैसा बहादुर और दिलेर बादशाह आज तक नहीं देखा। जबकि वो सिकंदर के गिरफ्त में रहकर के भी और पूरे निर्भयता से जो है वो सब कुछ जो है वो बयां कर रहे थे। तो पुरु, हमने ही बहुत से महाराज देखे हैं, बहुत से राजाओं को पराजित किया है, पर तीर और तलवार की सौगंध हमने आप जैसा ओछा और घमंडी राजा आज तक नहीं देखा। देखिए किस प्रकार का पौरुष जो है वो दिखा रहे हैं पुरु।
सेदुक अपनी तलवार निकाल कर आगे बढ़ता है। सेदुक महाराज पूर्व अदब से बात कीजिए, आप जानते हैं कि आप यूनान के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़े हैं। और पूर्व सेदुकस की ओर मुड़ कर खड़े हो जाते हैं। आगे देखिए, पूर्व अदब की बात करते हो, कौन हो तुम? इतना भी नहीं जानते कि जब दो राजा बात कर रहे हो तो बीच में बोलने से दोनों का अपमान होता है। यदि हमारा दरबार होता तो ऐसे बेअदब को हम दरबार से निकाल बाहर होते। सिकंदर, सेल्युकस तुमने गलती की है, माफी मांगो। तो सेल्युकस पुरु के सामने जो महाराज मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे भूल हुई, पुरु हमने क्षमा किया। सिकंदर पुरु की ओर मुड़कर नम्रता से, हम आपकी बहादुरी से खुश हुए, बताइए अब आपके साथ कैसा सलूक किया जाए? पुरु, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। मतलब जिस प्रकार का प्रश्न सिकंदर पूछ रहे हैं उसी प्रकार का उसका सटीक आंसर भी जो है वो पुरु दे रहे हैं। तो पुरु, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए, सिकंदर आप हमसे कुछ और भी कहना चाहते हैं? पुरु, हमने जो कहना था पहले जवाब में ही कह दिया। सिकंदर, यूमनिस महाराज पुरु के ये दोनों उत्तर सुनहरे शब्दों में लिखवाए जाएं। हम यूनान लौटकर लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे बहादुर राजा भी हैं जो लड़ाई में हार मानने पर भी हिम्मत नहीं हारते, और ऐसे ऐसे वीर बालक भी हैं जो पिता की खातिर अपनी जान पर खेल जाते हैं। बुलाइए राजकुमार को। तो सैनिक समर को लाते हैं और पुरु चौंक जाते हैं। समर कौन था? तो वो पुरु का बेटा था। आओ राजकुमार, आगे आओ, हम तुम्हारा भी स्वागत करते हैं, अब हम तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं। समर आगे बढ़ता है, सिपाही लौट जाते हैं। पुरु, बेटा तुम यहाँ इस निवास में? समर हिचकिचाते हुए, पिताजी। तो सिकंदर, बहादुर बाप का बहादुर, शायद अपने पिता का बदला लेने के लिए आया था। क्यों? क्योंकि हमेशा सिकंदर का जो स्टेटमेंट होता था वो बहुत ही खरा खोटा होता था। तो समर कह रहा है इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर में, जी हाँ, मैं मौत से नहीं डरता, मैं बचते बचते यहाँ तक पहुँचा, और मौका पाते ही आपको भी, आपको कह करके खाली जगह, इसका मतलब मौका पाते ही मैं आपको ही मृत्युदंड दे सकता हूँ या मौत के घाट उतार सकता हूँ। तो सिकंदर, हम जानते हैं कि हम तुम्हारी भावनाओं का आदर करते हैं, हमने तुम्हें माफ किया, पुरुष से हमने आपको भी आजाद किया, हम झेलम नदी के आसपास का सारा जीता हुआ इलाका और गिरफ्तार सैनिक सब आपको लौटाते हैं। और सेल्युकस से सेल्युकस फौजों को खबर कर दो कि जीता हुआ इलाका इनके हवाले कर दो और लौटने की तैयारी करो। ठीक है, इस प्रकार से उसका पर्दा गिर जाता है। और तो ये एक प्रकार का नाट्य है जो कवि सुदर्शन के द्वारा जो है ये रचित है, और आप इसमें ये जान गए कि छल से सिकंदर के द्वारा बंदी पुरु और अपने साहस और आत्मविश्वास से कभी हिम्मत न हारने का संदेश देते हैं, क्योंकि वही आत्मविश्वास और हिम्मत जो है उसे सिकंदर के चंगुल से जो है वो बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया और सिकंदर उन्हें आजाद कर दिया। ठीक है, तो आप इसमें अब सबसे पहले टिकाउट मिला लीजिए। सेल्युकस कौन था? तो उसका सही आंसर होगा यूनानी सेनापति। समर कौन था? तो वो पुरु का बेटा था। और सिकंदर ने पुरु को कैसे जीत दिया? तो आप उसका सही आंसर देंगे धोखे से, पेंसिल से टिक मार लीजिए। सिकंदर ने राजा पुरु से माफी मांगने को किससे कहा? सेल्युकस को। बहादुर बाप का बहादुर बेटा सिकंदर ने यह किसके लिए कहा? इसका खौ नंबर का आंसर होगा समर। ठीक है, अब आप एच डब्ल्यू में लिख लेंगे, एच डब्ल्यू टू रीड दिस चैप्टर एक्सरसाइज 3 एंड लर्न वर्ड मीनिंग ये आपको करना है, इसका ख्याल रखेंगे। पहले पढ़ना है, फिर इसका वर्ड मीनिंग भी याद करना है। ठीक है, अब इसमें जैसे कुछ दिया गया है जिसको आप भरेंगे तो आप भर सकते हैं, जैसे कि हम अपने सबसे बड़े शत्रु को प्रस्तुत करें, किसने कहा, किसको कहा? तो सेल्युकस ने कहा, किससे कहा? सिकंदर से कहा। उसी तरीके से ये आप भर लेंगे। वचन बदलना तो आप जानते ही हैं, गलती से गलतियां, गली से गलियां, लेकिन गलतियां लिखेंगे कैसे? इस तरीके से लिखेंगे गलतियां, उसके बाद गलियां,
नदियां, क्योंकि सब में हर शिकार होगा। उसके बाद मेहरबानियां, इसी तरीके से लिखते जाएंगे। बुराइयां, तैयारियां, हथकड़ियां, सब में हर शिकार होगा। अच्छाइयां, यहां अच्छाई में दीर्घई का दीर्घई है, वहां जाकर के हर्षई हो जाएगा। और मिठाई, वो यहां भी दीर्घईकार है तो वहां हर्षईकार हो जाएगा। ठीक है, आप भाववाचक संज्ञा लिख लीजिए। दो नंबर भाववाचक संज्ञा, पेज नंबर 26, बहादुर का लिख देंगे, बहादुरी। घमंडी का लिख देंगे, घमंड। निडर का लिख देंगे, निडरता। ठीक है, दिलेर का लिख देंगे, दिलेर का भी बस वही चीज होगा, आप ऐसे लिख दीजिए, निर्भयता। वीर का वीरता। उसके बाद शत्रु का शत्रुता। लड़ना का लिख देंगे, लड़ाकू। नम्र का लिखेंगे, नम्रता। और कुशल का लिखेंगे, कुशलता। समझ में आया? ये भाववाचक संज्ञा है, ये सब चीज पूछता है एग्जाम में, इसलिए हम आपको लिखा दिए। एक वचन से वचन बदलने में हम आपको बता ही दिए हैं कि कैसे वचन बदलना है। इतना सारा फिलअप आप पेंसिल से कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का क्वेश्चन आंसर और टिकआउट सारा कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, ये हम बताएंगे आपको। थैंक यू।